थोड़ा आराम से किटी, ध्यान रखना कि गम को निगलना चाहो, वरना जैसा कि कहते हैं कि कहीं ये तुम्हारे पेट में 7 साल तक चिपका ना रह जाए। हे दोस्तों, वैसे आपने भी ये सुना होगा कि अगर गम को निकल जाओ तो वो पेट में 7 साल तक रहता है और वो आपके पेट में रबर का एक पेड़ उगाने का काम करता है। पर क्या ये सच है या फिर ये भी उन बातों में से एक है जिसमें लोग यूं ही बातों को बस मानते आ रहे हैं? आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या होता है जब एक गम को निगल लिया जाए। Zoom in! गम कमाल की रबर जैसे कैंडी जो आती है बहुत सी शेप, साइज, कलर और फ्लेवर में। पर क्या कभी आपने सोचा है कि गम किस चीज से बनाई जाती है? वेल, ऐसा माना जाता है कि लोग गम चबाते आ रहे हैं स्टोन एज के समय से ही। बर्च बार्क टार से बनी हुई एक गम यही कोई 5500 साल पहले या 6000 साल पहले जो कि पाई गई थी फिनलैंड कंट्री में। इतना ही नहीं, बहुत सी पुरानी सिविलाइजेशन जैसे कि मायंस और एस्टेक्स एक नेचुरल गम चबाया करते थे जिसे कहते थे चिकले, जो कि बनाया जाता था लेटेक्स सैप से सैपोडिला पेड़ के, और वो इसे चबाते थे सांसों को फ्रेश रखने के लिए, कैविटीज भरने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए और साथ ही चीजों को चिपकाने के लिए भी। जबकि ग्रीस के पुराने लोग मैस्टिक गम चबाते थे जो मैस्टिक के पेड़ के रेजिन से बनता था। मैस्टिक गम भी बर्च बार्क टार की तरह एंटीसेप्टिक होता है और ऐसा माना जाता है कि यह मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, गम के लिए चाहत भी बढ़ती चली गई। बहुत सी सभ्यता के लोगों ने गम को बनाया जिसमें शामिल हैं पेड़, घास और रेजिन। और फिर 1860 के दशक में जब पहला फ्लेवर वाला च्युइंग गम इजाद किया गया जो बना था सिंथेटिक रबर से। गम होने के अलावा आजकल गम में और भी चीजें होती हैं, जैसे मीठापन, मुलायम होते हैं और फ्लेवर होता है। टेस्ट आने रहने तक इसे एंजॉय करो और फिर फेंक दो। पर जरूरी सवाल यह है कि क्या होगा अगर इसे गलती से निगल गए तो? वेल, पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा डाइजेशन प्रोसेस के बारे में। जब आप कुछ खाते हैं तो इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। पहले खाना चबाया जाता है जहां खाने में सलाइवा घुल जाता है, और जब उस मिक्सचर को आप निगल जाते हैं तो बाकी के काम शुरू होते हैं। बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेती है और उसके बाद वो खाना स्टमक में पहुंचता है, जहां स्टमक में एक एसिड खाने को और भी ज्यादा मुलायम बना देता है, जिससे कि खाना हमारी इंटेस्टिन से होते हुए आसानी से गुजर सके। और जब बात आती है गम की, तब तो बात एकदम बदल जाती है, क्योंकि आपके स्टमक का जो एसिड होता है वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सिंथेटिक रबर को पचा पाना इसके बस की बात नहीं होती है। हां, आपका सलाइवा और स्टमक का एसिड कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें गम को पचाने की, लेकिन वो इसे तोड़ने या घोलने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। पर दोस्तों, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये आपके इंटेस्टिन में नहीं चिपक सकता है और 7 साल तक ये पेट में रहता है। असल में आपकी बॉडी गम को उसी खाने की तरह देखती है जिसे वो पचा नहीं पाती, और उसके बाद अगले 3 या कुछ ही दिनों में ही ये आपके बॉडी के सिस्टम में से गुजरता हुआ आपकी बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये मानना कि बबल गम आपके पेट में 7 साल तक रहता है सही मायने में इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पर याद रखना मेरे दोस्तों, एक गम गलती से निगल जाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर बहुत सारे गम एक साथ निगल लिए तो पेट में ब्लॉकेज हो सकती है, जिसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कभी कभी तो ये ऑपरेशन से निकलता है। तो दोस्तों,
हमेशा ध्यान रखें कि चबा लेने के बाद जब गम फ्लेवर खत्म हो जाए तो उसे मुंह से फेंक दें। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है पहली बबल गम जो बनाई गई थी उसका रंग पिंक था? जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि इन्वेंटर के पास उस वक्त बस यही कलर बचा था। साथ ही ऐसा पाया गया है कि गम चबाने से कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता है, इससे आपकी लॉन्ग टर्म और वर्किंग मेमोरी भी बढ़ती है। जी हाँ, देखा गया है कि गम चबाने से मसल टेंशन कम होता है और आप काफी अलर्ट रहने लगते हैं। वैसे ये तो अच्छा बहाना मिल गया। अगर आपके टीचर ने कभी आपको क्लास में गम चबाते पकड़ लिया तो उम्मीद है आपने आज के एपिसोड में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं आपका डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। किटी, ये क्या कर दिया?